हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम के टाइम में कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने इसमें आइसक्रीम डाली है, कॉफ़ी डाली है, चीनी डाली है और दूध लिया है। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है इस डब्बे में, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसी में डाल लिया है क्योंकि उसमें थोड़ी सी लगी हुई थी। साथ में मैंने थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े इसमें डाल लिए हैं ताकि चिल्ड सी कोल्ड कॉफ़ी हमारी बनकर तैयार हो जाए। चॉकलेट आइसक्रीम इसलिए डाली है ताकि फ़्लेवर जो है और भी बढ़िया आए और थोड़ा सा जो है मज़ा आ जाए कॉफ़ी पीने में। तो कोल्ड कॉफ़ी जो है काफ़ी लोगों की फेवरेट होती है, पसंद होती है, मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम पीती हूँ क्योंकि ठीक नहीं है। तो अभी जो है बस मैं इसको ब्लेंड करूँगी। सारी चीज़ें मैंने इस पतीले में इसमें डाल ली हैं, वैसे जग वगैरह हो तो अच्छे से हो जाती है। तो अभी मैं अपना हैंड ब्लेंडर लेके इसको कर रही हूँ ब्लेंड। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, और हुआ क्या था, जब मैंने इसको ब्लेंड करने लगी तो भगोने से जो है बाहर निकल गई थी। ऐसा होता है जब इसको दो तीन बार घुड़ घुड़ करते हैं उसके बाद ये ठीक हो जाता है। अभी कोल्ड कॉफ़ी बनी थी 4 बजे के करीब और अभी टाइम है लगभग 8:30 बजे का। यहाँ पर विपिन लेकर आए थे बच्चों के लिए मोमो, तो बच्चे यहाँ पर वही अपने मोमोज़ इंजॉय कर रहे हैं। गुड्डू को भी पसंद है और खुशी को भी मोमोज़ पसंद है। और इस टाइम पे मैंने इनके लिए बनाया था मैंगो शेक। मैंने कहा चलो आम रखे हुए हैं तो इसको, मतलब मैंगो शेक भी इन बच्चों को पसंद ही होता है। आपको पता है मैंगो शेक मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पीती हूँ मैंगो शेक, मुझे बिल्कुल ना बनाना शेक ना मैंगो शेक। हाँ, जैसे ये दूध के साथ डाल के चॉकलेट शेक बना लिया या फिर स्ट्रॉबेरी बना लिया, ये मैं फिर भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अभी मोमोज़ वगैरह खाए हैं, एक दो मैंने भी खाए हैं, फिर मैं अभी आके यहाँ पे देने वाले हैं हम खुशी को एक सरप्राइज़। तो अभी आप देखते रहिए क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं हम खुशी को। और 6 जनवरी का शानू का होता है। क्या होगा, जूस किया है बोला पुराना क्यों देना, नया देते हैं खुशी का। मैं जब मैं पूछ रही थी ना, तू आई थी, मैंने कहा क्या ले लिया क्या, तो मैं सोच रही थी पूछ नहीं पा रही थी। विपिन कह रही थी क्या क्या न्यू फोन आया है उसके मामा मामी की तरफ से, उसका बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि खुशी का बर्थडे 1 महीने बाद ही है जुलाई में, तो इस वजह से पहले ही उसको गिफ्ट दे दिया। उसका फोन टूट रहा था तो इस वजह से फिर मैं और विपिन सुबह इस बारे में बात कर रहे थे। पहले सोचा मेरे पास 3 फोन है कि इसको वीवो दे देते हैं, लेकिन फिर मैं और विपिन बात करने लगे, नहीं यार सब क्या सोचेंगे, यूज किया हुआ दे दिया। तो फिर विपिन ने कहा ठीक है नया लेकर आता, मैंने कहा हाँ नया लेकर आना। और हमने खुशी को या गुड्डू तन्मय को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। क्या हुआ, रात आगे कंटिन्यू हम इस वीडियो को नहीं कर पाए, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं मॉर्निंग में। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, सुबह का टाइम है। और रात जो है क्या हुआ ना, थोड़ा सा कुछ इमोशनल हो गई थी, हो ही जाते हैं, मैं भी थोड़ा सा हो रही थी, मैं कंट्रोल कर रही थी, मैंने कहा वो ना हो जाए, लेकिन वो हो ही चुकी थी तब तक इमोशनल। तो अच्छा लगा हमें उसको गिफ्ट दे के, उसे भी अच्छा लगा। गिफ्ट से क्या होता है कि देखिए, कोई भी किसी का भी, वो तो बच्चा है खैर अपना, कोई भी बड़े लोग भी, किसी को कुछ नहीं वो होता है, ये एक प्यार होता है, उसमें हमारा प्यार होता है, हमारी जो केयर होती है वो नज़र आती है, तो बस ये होता है। और देखिए, खुशी शानू हो या फिर भूमि हो, मैं इन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, जैसे मेरे बच्चे हैं ना। तो मैं कभी ये है कि भाई भूमि मेरे लिए मेरी भतीजी है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, नहीं, मेरी भांजियाँ हैं तो वो मेरे लिए थोड़ा कम पे आती है, नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जैसी मेरी भूमि है वैसी मेरी शानू खुशी है मेरे लिए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर रिश्ते को बहुत अच्छे से साथ लेकर चलने की, उनको निभाने की, फिर भी अगर क्या पता मुझसे भी गलतियाँ हो ही जाती हूँ, इंसान है, इंसान से हो ही जाती हैं गलतियाँ।
तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ खाने में कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और साथ ही मैंने तेल भी चढ़ा दिया है। इसमें कद्दू की सब्जी बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया वाली। इसमें मैंने मेथी और हींग डाला है, और जब मेथी हो जाएगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और टमाटर। मतलब पहले प्याज डालूँगी, लेकिन प्याज को मैं भूनूंगी नहीं, उसको मैं बोल सकते हैं बस हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। तो यहाँ पर प्याज भी ऐड कर दिए हैं जिनको मैंने लंबा लंबा काट के यूज़ किया है। और उसके बाद देखिए जब वो प्याज सॉफ्ट हो गया है तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें सारे जो मसाले मुझे डालने हैं इसमें वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो सबसे पहले नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, रंग वाली लाल मिर्च इसमें मैं यूज़ करूँगी। हालांकि अभी तक मसाले डाले नहीं, और मैं आपको बताने लग गई हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वो थोड़ा सा क्लिप हो जाता है, चाहे कितना ही फास्ट कर लो थोड़ी आवाज़ आगे पीछे फिर हो जाती है। तो मसाले डालने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैंने नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है। रंग वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर आएगा कद्दू में तो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी कम डाली क्योंकि मुझे लाल वाली रंग वाली डालनी थी, और रंग वाली मिर्च में भी थोड़ी सी मिर्ची होती है। साथ में मैं इसमें जो है अभी कसूरी मेथी भी डालूंगी, लेकिन वो टमाटर पक जाएंगे तब। तो जब टमाटर पक गए थे कसूरी मेथी डाली, कुछ सेकंड के लिए पकाया, उसके बाद बस रेडी था मसाला कद्दू डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कद्दू डाल दिया है। आप लोग बोलते हैं छिलके के साथ बनाया करूँ, लेकिन मेरे को छिलके के साथ पसंद नहीं है, तो मैं छिलके के साथ नहीं बनाती हूँ, मैं छिलका उतार के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको छोड़ दूँगी लगभग 7-8 मिनट के लिए, लेकिन मैं क्या करूँगी बीच बीच में इसको चेक करूँगी कि ये पका के नहीं पका, पका के नहीं पका, क्योंकि मुझे इसमें चीनी भी ऐड करनी है, चीनी शक्कर जो भी जिसको ऐड करनी हो। तो यहाँ पे खुशी मेरे साथ खड़ी हुई है और वो बना रही है, यहाँ पे बना रही है मतलब कद्दूकस कर रही है खीरे को, खीरे का रायता बनाएंगे। वो जो है नाश्ते के साथ चाय वगैरह नहीं लेती है, दही वगैरह वो ले लेती है, चाय बस उसको मॉर्निंग में चाहिए आधा कप, मेरी तरह आदत है उसमें ये, बस सुबह में चाहिए, फिर पूरा दिन चाय वाय कुछ हो ना हो तो चलता है। मतलब ना भी, मतलब मेरा भी ऐसे ही है कि मुझे ना मिले चलता है, लेकिन मैं शाम को जैसे कोई है उसको कंपनी देने के लिए पी लेती हूँ, खुशी बिल्कुल नहीं लेती है शाम में भी। तो यहाँ पे जो है मैं रायता बनाने लगी हूँ, जिसमें मैंने खीरा डाला है कद्दूकस करके, और जीरा पाउडर डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, काला नमक डालूंगी और इसको मिक्स करके रायता तैयार है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बालों में पिछले कुछ महीनों से क्या लगा रही हूँ। अब ये कह सकते हैं कि इसको मैं कंटिन्यू नहीं लगा रही हूँ कि भाई आज भी लगाया फिर अगले हफ्ते भी लगा रही हूँ, नहीं, महीने में एक बार लगा रही हूँ। हालांकि इसको मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में मैं दो बार लगाऊं, लेकिन हो नहीं पाता है, किसी न किसी वजह से रह जाता है। जैसे अब मैं पूरा इसको 20 दिन बाद लगा रही होंगी जहाँ तक है। तो मैंने ये नारियल का तेल और प्याज का रस लिया है, इसमें आप जो विटामिन ई का कैप्सूल होते हैं वो एक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। तो बस मैंने तो दो ही चीज़ ली है क्योंकि मेरे पास दो ही चीज़ अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो है मांग मांग करके खुशी मेरे बालों में इसको लगा देगी। अगर आपको कोई इस तरीके से लगा देता है मांग मांग करके, तो तेल बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों की अपेक्षा। तो खुशी थी तो मैंने उसको बोल दिया था, और मैं इसको नहाने के बाद लगवा रही हूँ, नहाऊँगी बाद में, पहले तेल, नहीं नहीं नहा ली हूँ, तेल बाद में लगवा रही हूँ, सर बाद में धोऊंगी, बोल क्या रही हूँ पता नहीं ना। तो यहाँ पे जो है इसको जो है हम अच्छे से लगा लेंगे जड़ों में, और इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है, और ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है। खुशी ने यहीं बैठे बैठे मुझे जन्नत की सैर करा दी, मन ही नहीं कर रहा उठने का, ऐसे दिल कर रहा है बस मैं बैठी रहूँ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकते। नहा तो ली हूँ लेकिन सर धोऊंगी अब मैं 2 घंटे बाद, सुबह सुबह लगाना वो नहीं हो रहा था उस टाइम से, फिर 2 घंटे होते भी ना जिस टाइम नहाई थी, 2 घंटे तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा लगा के, बदबू आएगी अब प्याज की। बच रहा है थोड़ा सा, यहाँ लगा दें, यहाँ पे उग जाए यहाँ पे बाल। तेरे मामा जी के उड़ गए थे, उगा दिए थे काफी।
मैं बना रही हूँ पूरी और इधर की साइड कद्दू बन चुका है, बस इसमें जो है धनिया डालना बाकी है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और पूरियाँ भी बनानी शुरू कर दें, जैसे कि आप लोगों ने देखा पूरी जो है गुड्डू को भी बहुत पसंद है। हाँ, कद्दू का थोड़ा सा है कि कद्दू गुड्डू तो खा लेती है, तन्मय नहीं खाता है कद्दू जो है। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पूरी बनाते हैं। आज नाश्ता जो होगा वो होगा पूरी और कद्दू का, बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता और खीरे का रायता। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। चलो बना लेते हैं फटाफट फटाफट सारी पूरियाँ, सबको खिला देते हैं। तो यहाँ पे गुड्डू ने अपना हॉलीडे होमवर्क के लिए उसको मिला हुआ था कि उसको कुछ बना के ले जाना है आर्ट में, तो इन्होंने इसने जो है अपना ये बनाया है। और मैं रोज़ बोल रही थी मैंने कर ले हॉलीडे होमवर्क, अब की बार वैसा होमवर्क नहीं मिला ना जैसे पहले मिलता था। इस बार जो है इनको इनके हाउस के अकॉर्डिंग होमवर्क मिला है, तो इसके जो इसको जो मिला है इसके हाउस के अकॉर्डिंग वो आर्ट में मिला है। और अभी टाइम है शाम का लगभग 7 बजने वाला होगा। मैं ऊपर ही थी क्योंकि मेरे ऑर्डर्स चल रहे थे, तो मुझे याद आया कि चलो मैं प्लांट्स को पानी भी दे देती हूँ। वैसे ये काम बच्चे भी कर देते हैं, लेकिन अगर मेरे को लगता है तो मैं भी कर देती हूँ, तो कोई भी कर देता है। तो यहाँ पे हमारी ये टंकी है जिसमें मोटर चलाने के बाद पानी आता है। कई बार अगर पानी प्रेशर से खूब अच्छा आ रहा है तो बिना मोटर चलाए भी आ जाता है। तो अभी मोटर चलवाई और मैंने कहा चलो मैं पानी डाल देती हूँ। कुछ वो नहीं मिल रहा था पानी डालने के लिए, तो ये शायद होई का पता नहीं करवा चौथ का ये दिखा मुझे, तो मैंने इससे ही डाल दिया। और देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा मतलब मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी। ये बना रही हूँ मैं मटर और बड़ियों वाला पुलाव, क्योंकि मैंने खुशी से पूछा कि क्या बनाऊँगी, क्योंकि होता है ना तो भाई एक बार पूछ लो। मैंने उसे कई सारे ऑप्शन दिए भाई क्या, क्योंकि अभी मुझे ना उसका ठीक से पसंद वसंद का नहीं पता है। वैसे तो वो बोलती है मैं सब कुछ खा लेती हूँ मामी जी, और पसंद का ऐसा है भी नहीं, लेकिन बच्चे से होता है ना कि यार पूछ ले क्या ये पैर हम अपने आ रहे हो भी। और ये ना मैं भिगो रही हूँ इमली, क्योंकि मैंने किसी से पूछा कि वो दही बल्ले खाती है। देखो मैंने पैर बांध लिए। हाँ सही है, तो उसने कहा हाँ मैं दही बल्ले खाती हूँ, मुझे पसंद है, लड़के चाट ये सब पसंद होता ही है। मैंने कहा ठीक है फिर मैं इमली भी बोती हूँ। आज थोड़ा मेरा सूट का काम भी चल रहा है, तो मैं ऊपर से आई हूँ, 9 बज रहे हैं, 9 बजे खाना बन रहा है, लेकिन मेरे बच्चे तीनों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि ऊपर पानी मेरे लिए फ्रूट काट कर लेकर गए। मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई बस पानी दे दो, तो अभी मैं इसको एक बार वॉश कर लूंगी मिट्टी मुट्टी, एक बार मैं इसको वॉश कर लूंगी ऐसे ना। और अब मैं इसको भिगो के छोड़ दूंगी, कल बनाएंगे इसकी सौंठ। और सौंठ बनाकर मैं क्या करने वाली हूँ, एक दिन दही बल्ले बनेंगे जो कि कल बनेंगे, दाल भी निकाल ली मैंने गिलास भर के मूंग की दाल, तो दही बल्ले बनेंगे, फिर इसी सौंठ से टिक्की बनेगी, टिक्की के लिए भी जो है सौंठ काम आ जाएगी, और फिर उसी इमली का पानी में बचा के रख लूंगी है ना, फिर मटरा बनाने के लिए मटरा में जाता है तो वही काम हो जाएगा। तीनों ना इसमें से थोड़ा सा पानी में बचा लूंगी, क्योंकि सोट नहीं डालेंगे इस बार, पानी डालेंगे। फिर इसको तो भिगो करके रख देते हैं। इतनी हवा चली है, इतनी हवा चली है, और मैं ना आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई सुबह के बाद, थोड़ा तो आज मेरी तबीयत ढीली हो रही थी, और फिर मैं ऊपर जाके बिजी हो गई थी थोड़ा बच्चों के साथ बातचीत उसमें, तो ऐसे ही। तो अभी जो है किचन समेटती हूँ, उसमें पुलाव बना रही हूँ, व्हाइट वाला बना रही हूँ मैं, येलो वाला नहीं बना रही। पुलाव हमारा बन चुका है, इसको बस मैं चेक करने आई थी क्योंकि प्रेशर निकल गया है, तो अभी इसको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया बना है एकदम।
तो मुझे तो पीले वाला जो बनाते हैं हल्दी डाल के वो इतना पसंद नहीं आता, जबकि सिर्फ और सिर्फ हल्दी का फ़र्क है, रंग का फ़र्क है। ये वाला मुझे बहुत टेस्टी लगता है, खा मैं वो भी लेती हूँ बहुत शौक से, लेकिन पता नहीं क्यों बनाने का मेरा यही मन करता है। तो इसमें मैंने सिर्फ मटर और बड़ियाँ डाली हैं डालने को, इसमें और भी सब्जियाँ डाल सकती हैं, जैसे कि बीन्स भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं। मेरे पास दो ही चीज़ थी, मटर और बीन्स, सॉरी मटर और सोयाबीन, तो मैंने वो डाली है। प्लेट लग चुकी है, हम लोग भी रेडी हैं खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।